अगर आप अपने दरवाजे पर मोटरसाइकिल लगाते हैं तो हो जाइए सावधान अगर आप बोलेरो लगाते हैं तो भी सावधान रहने की जरूरत है अगर आपकी स्कॉर्पियो आपके दरवाजे पर लगी हुई है तब भी आप सतर्क रहिएगा और ट्रैक्टर को तो बचा के ही रखना है ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज ये हमारे साथ जो खड़े दिख रहे हैं इनके पास भी एक फोर व्हीलर थी एक बोलेरो था सुबह जब इनकी आँख खुलती है तो देखते हैं कि बोलेरो गायब हो गई है बोलेरो चोर चुरा कर ले गए हैं चाबी इनके पास ही रह गई है ये रात में अपनी गाड़ी को यहीं पर जहां पर खड़े हैं यहीं पर लगा कर गए थे अच्छे से लॉक कर दिया चाबी लेकर घर पर चले गए सुबह जब आंख खुली ये फ्रेश होकर आए कि मैं अपने पैसेंजर को बैठाकर रिजर्व में लेकर जाऊंगा कहीं शहर ले कर, कर डॉक्टर के यहाँ आते हैं देखते हैं गाड़ी ही गायब है इनके पैरों तले जमीन खिसक गई इन्होंने सोचा ये कैसे संभव है फिर क्या होता है अच्छा क्या कुछ हुआ था जरा सब बताइएगा जी रात में मैं लगभग दस बजे गाड़ी के पास ही था दस बजे हम खुद अपने से लॉक किए चाबी मेरे पास ही पैकेट में है हाँ। अभी तक भी चाबी मेरे पास ही है हाँ। और मैं दस बजे लॉक करके गाड़ी मैं अपने घर से बाइक से यहाँ से घर गया और इससे पहले भी गाड़ी मैं यहाँ लगाता था अच्छा कौन गाड़ी थी आपकी बोलेरो था बोलेरो किस कलर की बोलेरो व्हाइट कलर की थी वाइट कलर की बोलेरो का नंबर क्या है बोलेरो का नंबर तो जे एच सत्रह सड़सठ पंचानवे है जे एच सत्रह सड़सठ पंचानवे जी जी कल रात में यहाँ पर लगाए आप जी जी कल रात में यहाँ पे दस बजे तक हम गाड़ी के पास ही थे ठीक हम यही दस ग्यारह बजे तक थे तो गाड़ी हम सोचे अब रात काफी ज्यादा हो गया है हाँ। तो गाड़ी यही लोग कर लेते और यही छोड़ देते और इससे पहले छोड़ते भी थे हाँ। तो हम ऐसा दिल में नहीं था कि यहाँ से गाड़ी गायब हो जाएगा तो हम रात में लोग उक करके निकल गए बस सवेरे जब यहाँ आए फ्रेश उेश होकर तो गाड़ी देखते है गायब है ये जगह जो है ये सनहौला और मुर्गिया चक के बीच का जगह है यह है ना और थाना से महज 400 मीटर की दूरी पर रात में गाड़ी चोरी हुई है रात में थाने की गाड़ी गश्ती में भी जाती है ये भी सभी को मालूम है उनसे भी चोर जो है दो कदम आगे कि यहाँ पर रखी गाड़ी को वो लेकर निकल जाते हैं यहाँ से लेकर भाग जाते हैं इन्होंने इन सुबह जैसे ही देखा ये ऐसे ये ऐसी चीजें हुई फिर ये चले गए थाने में आवेदन को लेकर आवेदन वहां पर देते हैं और पुलिस अभी ढूंढने में जुटी हुई है लेकिन अभी तक दिन के लगभग आठ दस घंटे तो बीत चुके हैं मतलब होने से है ना जब से आपने आवेदन दिया है आठ दस घंटे में पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा है, ना तो गाड़ी का कोई सुराग मिला है अपने स्तर से इन्होंने बहुत सारी कोशिशें की बहुत जगह लोगों को फोन मिलाया बहुत जगह गाड़ी के फोटो भेजे कि देखिएगा भैया ऐसी गाड़ी है अगर कहीं दिखे कहीं मिले तो हमें बताइएगा जरूर और हम न्यूज बनाने का मेरा मकसद यही कि इस न्यूज को शेयर कीजिएगा इस वीडियो को आप लोग आगे तक फैलाइएगा ताकि इस करीम भाई की जो गाड़ी चोरी हुई है वो गाड़ी इनको मिलने में

जी बिल्कुल दस लाख रुपए की गाड़ी है बोलेरो गाड़ी पुरानी थी कैसी थी बोलेरो तो मतलब 2013 मॉडल ही थी 2013 मॉडल बाकी मेंटेनेंस में गाड़ी थी गाड़ी जो है बढ़िया मतलब नया ही तरह लग रहा था उतना भी खड़ा सनहौला था। थाना में ये एक महीने के अंदर दूसरी ऐसी घटना है जब कोई बड़ी गाड़ी को चोर दरवाजे पर से उठाकर लेकर चले गए हैं आज से कुछ दिन पहले ताड़न में एक ट्रैक्टर को चोरी करके कर चोर लेकर चले गए थे आज बोलेरो भी चोर चोरी कर लेकर चले गए दरवाजे पर से तो बस सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि बेरोजगारी इतनी बड़ी है कि चोर पहले कुछ और तरीके की चोरी करते थे अभी चोरी करने का अंदाज भी बदला है अब कुछ भी आपके दरवाजे पर कोई भी गाड़ी होगी वो उठाकर लेकर चले जाएंगे इतने इतने चोर हो गए मास्टर माइंड उनके पास शायद ऐसा लॉक मास्टर लॉक मास्टर चाबी वगैरह से आपकी चाबी तो आपके पास है कैसे खोला होगा मास्टर चाबी वगैरह होगा हो चोर हाँ उसके तो पास तो चाबी को वैसा चाबी होगा जो कोई भी लोग खोल सकता है वो है ना मेरा तो ऑलरेडी जो है पूरा लॉक नया था दस पंद्रह बार एक बार ट्राई किए थे दूसरे चाबी से स्टार्ट नहीं हुआ था नहीं और खुला भी नहीं लोग मगर उसके पास ऐसा कौन सा चाबी था जो उसका खुल गया एक ही बार में और स्टार्ट होके चला गया उसका स्टेयरिंग भी लोग हो जाता है गाड़ी का ऑटोमेटिक फिर भी फिर भी लेके निकल गया ये देखिए सामने घर है इसके पीछे एक गैरेज है और इस यहाँ पर भी मतलब चोरों के हौसले को दिखा रहा हूँ कि सामने घर पीछे गैरेज घर में भी आदमी रहते हैं पीछे गैरेज में भी आदमी रहते हैं लेकिन चोर को किसी चीज की किसी चीज का डर नहीं था वो यहाँ पर रखे रोड के इस पार गाड़ी रखी हुई थी और रात में यहीं पर वो गाड़ी प्रतिदिन लगाया करते थे करीम भाई जो कि भीकन चक के हैं सनहोला थाना क्षेत्र भागलपुर जिला और यहीं पर वो गाड़ी लगाया करते थे और आज जब इनकी आख खुली तो ये देखते हैं कि गाड़ी ही यहाँ से गायब हो गई है आप लोगों से विनती आप लोगों से निवेदन कि ऐसी गाड़ी अगर आप को कहीं दिखे जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है एक नंबर फ्लैश हो रहा है उस नंबर पर कॉल जरूर कीजिएगा इन्फॉर्म कीजिएगा करीम भाई को अगर आप पता सही बताते हैं आपके कहने के मुताबिक गाड़ी अगर मिल जाती है तो ये आपको मुंह मांगी इनाम देंगे जैसा ये बता रहे हैं कि पचास हजार रुपए तक का इनाम मैं दूंगा अगर मेरी गाड़ी का कोई मुझे पता बता कर दे बाकी प्रशासन से भी यही उम्मीद है कि आप लोग जिस तरीके से पिछले महीने ट्रैक्टर चोरी हुई ढूंढ कर निकाल दिए इसी तरीके से करीम भाई भी आपसे काफ़ी उम्मीद लगाए हुए हैं अगर चोरी की जो घटनाएं हैं अगर आपको रोकना है तो पहले चोर को तो पकड़ना होगा उस गैंग को तलाशना होगा शायद इस इलाके में कोई गैंग काम करता है जो लोगों के दरवाजे पर से गाड़ी लेकर चली जाती है कभी बाइक चोरी होती है कभी ट्रैक्टर चोरी होती है कभी बुलेरो आज चोरी हो गई है तो प्रशासन को ऐसे गैंग को अपने काबू में लेना होगा गिरफ्त में करना होगा और ऐसे गैंग पर लगाम लगाने के लिए आपको जो कदम उठाना पड़े उठाइए ताकि आगे चलकर करीम भाई जिस तरीके से आज परेशान है ऐसी परेशानी किसी के साथ ना हो